उस दिन मैंने तुम्हें हाथ रखकर इसलिए किस किया था क्योंकि मुझे 99% मालूम था कि तुम मेरी बीवी बनोगी। लेकिन आज मैंने तुम्हें हाथ हटाकर इसलिए किस किया है क्योंकि मुझे 100% यकीन है कि तुम ही मेरी बीवी बनोगी। नाउ गेट लॉस्ट। क्या हुआ बेटी, एनी प्रॉब्लम? पापा, इसने मुझे अंकल, राजन सोने जी को कहीं केस तो नहीं कर लिया? यस। व्हाट नॉनसेंस। डोंट वरी बेटी, आज मैं इस लोफर का परमानेंट इंतजाम करके आया हूं। तेरी जलील हरकतों की कीमत मैं तुझे देने नहीं, तेरे मुंह पे मारने आया हूं। ये ले 2 लाख का चेक और मेरी बेटी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दफा हो जा। गेट लॉस्ट एंड लीव हर अलोन। चलो बेटी। पापा एक मिनट, मुझे भी इसे एक तोहफा देना है। श्योर, व्हाई नॉट। रज्जा साहब, तुम्हारी सिक्किम स्टेट की लॉटरी तो नहीं निकली मगर मेरे पापा ने तुम्हारी महाराष्ट्र स्टेट की लॉटरी जरूर निकाल दी। चलो मेरे साथ। नहीं चलूंगी। क्या कर लोगे? तुम्हारे साथ खुद को भी मार लूंगा। बोलो कहाँ चलना है? फिलहाल तो तुम गाड़ी में बैठो, चलो। उमंग! अंकल मेरा चश्मा। अरे उमंग! देखा नहीं तूने? अगवा करके ले गया तेरी सोनिया को, अगवा करके ले गया। यहाँ कोई पुलिस है कि नहीं? अंकल यहाँ की पुलिस की क्या बात करते हैं, मैं बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर को फोन करता हूँ। थैंक्स। थैंक्स। बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? तुम्हें अपनी बदतमीजी की कीमत मिल चुकी है, अब और क्या चाहिए तुम्हें? कीमत? अपने बाप के 2 लाख की चेक की बात कर रही हो? देखना चाहती हो उसकी कीमत? तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हारा पति? मेरा पति? तुम जानते हो मेरी शादी उमंग से होने वाली है। जनेमन, मैंने तुम्हें अंदर भी समझाया था ना कि तुम्हारी शादी होगी तो 100% मुझसे ही होगी। कभी नहीं। कभी नहीं? अच्छा, तुम्हारी शादी आज अभी इसी वक्त होगी। जज्जा। जाजा। हाथ मत लगाना मुझे। मैं कहती हूँ हाथ मत लगा। मैं कहती हूँ हाथ मत लगा। मैंने कहा ना, मैं शादी तुम्हीं से करूंगा। छोड़ो मुझे। चाहे जबरदस्ती क्यों ना हो। तेरी लगन लगी, तेरी लगन लगी, तेरी लगन लगी, तेरी लगन लगी है। सर मेरी बात सुनिए। सर कोई मेरी बात नहीं सुनता। इंस्पेक्टर अंकल, इंस्पेक्टर अंकल, सर।
सर सर सर, अरे कोई मेरी बात नहीं सुनता। सर आप तो मेरी बात सुनिए ना, यहाँ पर कोई मेरी बात नहीं सुनता। शेफ सर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। सर मैं सब कुछ कर दूंगा। सर मेरी बात सुन रहे हैं क्या आप? मेरी बात सुनने वाले कि नहीं? सर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हें? हाँ सर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है ना? हाँ सर बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हें। तुमने गाड़ी चोरी की, तुमने ब्लैकमेल किया, तुमने किडनैपिंग की, तुमने तस्वीरें भेजी, तुमने लेटर भेजे, दुनिया कहती है, लेकिन मैं नहीं मानता। 25 सालों से मैं क्रिमिनल से डील करता आया हूं, 25 सालों से, लेकिन तुम क्रिमिनल नहीं हो क्योंकि तुम्हारी आंखें मासूम हैं। लेकिन गवर्नमेंट नहीं समझती ना, गवर्नमेंट आंखें थोड़ी नहीं देखती बेटा, गवर्नमेंट तो पॉकेट देखती, पॉकेट। तुम चोर उचक्के और पॉकेट मार भी नहीं हो, तुम आशिक हो, आशिक। लेकिन गवर्नमेंट नहीं समझती ना, गवर्नमेंट ने थोड़ी आशिकी की है, आशिकी तुमने की है, तुमने, आशिकी मैंने की। खैर शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, लेकिन बेटे मैं तुम्हारी शादी जरूर करवा के छोड़ूंगा। जा, जा उस लड़की को जाके समझाओ, जा। लेकिन सर वो मुझसे बात तक नहीं करना चाहती। अरे पागल इडियट, अरे प्यार मोहब्बत करने वालों की तो भगवान भी सुनता है, खुदा भी सुनता है, और वो तो एक अदद लड़की है यार। सुन, 2 घंटे के बाद मैं रिटायर हो रहा हूं, 2 घंटे के बाद, इसलिए अपनी गारंटी पर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। जा जा उस लड़की से बात कर, जा। अरे यार गवर्नमेंट इतना तो समझती है। हाँ सुनिए, तुम फिर आ गए, चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा सोनिया। ब्लैकमेलर? सोनिया मैंने तुम्हें कभी ब्लैकमेल नहीं किया, मैंने तुम्हारे पापा को कोई चिट्ठी नहीं लिखी थी। तुमने वो चिट्ठी लिखी थी ना जो उस रात हाथ के इशारे से दिखाई थी? हाँ लिखी थी। तुमने वो दरवाजे के पास रखी थी ना? हाँ रखी थी। मैंने वो चिट्ठी पढ़ी थी ना? हाँ तुमने वो चिट्ठी पढ़ी थी, लेकिन उस चिट्ठी में तो मैंने तुम्हारे, हाँ हाँ तुमने उसमें कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ मुझे मार्केट बुलाया था जलील करने के लिए। मैं तो खुद तुम्हारी वजह से जलील हो रहा हूँ, मैं तुम्हें जलील करने की सोच भी कैसे सकता हूँ। सुनिया मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। डोंट टच मी। प्यार करते थे तो मुझे मार्केट में जगह जगह घटिया बातें पढ़ने पर मजबूर क्यों किया? मेरी और अपने गंदे पोस्टर थिएटर के बाहर क्यों लगाए? मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की? तुम पागल हो गई हो क्या? पागल तो मैं पहले थी, लेकिन अब मुझे होश आने लगा। सुनिया मेरी बात तो समझो। गेट आउट एंड गेट लॉस्ट। सोनिया एक बार मेरे चेहरे को देखकर, मेरी आंखों में झांककर सच सच बताओ, क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसी हरकत कर सकता हूं? हाँ। सोनिया सोनिया मेरी बात तो सुनो। क्यों कुछ सुनाना, हम ही सुनाओ। नहीं सर मैं सुनने से ही बात करना चाहता हूँ। नहीं बात करने से पहले तू ये बता कि तू लॉकअप से भाग कैसे आया? मैं भाग कर नहीं आया सर, मुझे इंस्पेक्टर अंकल ने खुद छोड़ा है सोनिया से बात करने के लिए। खुद छोड़ा है? चोर उचक्के बदमाश लोफर ब्लैकमेलर। सर आप जो नाम देना चाहें दे दीजिए, लेकिन ब्लैकमेलर मत कहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको ब्लैकमेल ही करना चाहता तो आपका चेक क्यों खाता? चेक खाना तो तेरी चालाकी थी। अभी तो तू मेरी जायदाद खाएगा, मेरी दौलत खाएगा, और फिर खाएगा मेरी बेटी का सुख चैन। मिस्टर वर्मा मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन अब बहुत हो गया। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो मैं तुझे बहुत कुछ खिलाऊंगा जो मुझसे पहले मुझे तुझे खिलाना चाहिए था। ये समाचार मुझे तब मारना चाहिए था जब तूने मेरी गाड़ी चुराई थी। ये समाचार मुझे तब मारना चाहिए था जब तूने मुझे ब्लैकमेलिंग की चिट्ठी लिखी थी। ये समाचार मुझे तब मारना चाहिए था जब तूने मेरी बेटी की जबरदस्ती मांग भरी थी। मिस्टर वर्मा ये सब क्या हो रहा है?
कमाल है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है वही मुझसे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तुमने जो शह दी थी उसी की वजह से ये बदतमीज आज मेरे ही घर में मेरे सामने मेरी ही बेटी के साथ इजहार मोहब्बत कर रहा है। वो प्यार का इजहार किया है, कोई चोरी तो नहीं की ना? इसकी तरफदारी तो तुम करोगे ही, तुमने भी तो चोरी से प्यार किया, चोरी से इश्क किया और चोरी से शादी की। मिस्टर वर्मा, चिल्लाइए मत सरदार साहब, मैं इस तरफदारी को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और याद रखिए कि अगर ये लोफर कल सिक्किम से आपके साथ नहीं गया तो मैं आपके प्रिंसिपल को रिपोर्ट करूंगा और आपको सस्पेंड करवा दूंगा और आपके साथ साथ उस बिल्लो रानी बस, को भी। बस लाला जी। ओए पुत्र, तू हमारे साथ कल सुबह की ट्रेन से वापस बम्बई जा रहा है। सर आप कह रहे हैं, आप तो जानते मैं सोनिया से कितना प्यार करता हूँ। तुझे मुझ पर भरोसा है ना? और मुझे वाहेगुरु पर भरोसा है। और अगर हम दोनों का भरोसा सच्चा है ना तो तुझे सोनिया जरूर मिलेगी। लाला जी, अगर इन दोनों बच्चों का प्यार सच्चा है तो कल आप इसी सिक्किम के स्टेशन पर खड़े होंगे और ये दोनों बच्चे एक दूसरे को आपके सामने प्यार कर रहे होंगे और आप बस मुस्कुरा कर रह जाएंगे। चल पुत्र, बम्बई जाने की तैयारी कर, आगे रब रखा। राजा, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। Thanks.